भाई सुबह के बज रहे हैं 4 और आज है सैटरडे और सैटरडे मेरा स्लीप खराब कर दिया। हाँ मैंने हम लोग का स्लीप खराब कर दिया है मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह 4 बजे एक छोटा सा वॉक वीडियो बन जाए, देखते हैं कि सुबह 4 बजे शारजा में रोला जो एरिया है वो कितना ओपन है और कितना बंद है। तो फिलहाल तो अभी मैं जितना देख रहा हूँ मोस्टली सारी दुकानें बंद है यहाँ पे इस टाइम। सुपरमार्केट जरूर ओपन, एक आधा सुपरमार्केट्स ओपन है, ये एक सामने सुपरमार्केट है जो कि ओपन है। तो बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलना हाफ ओपन, हाँ हाफ ओपन है, किचन इज ओपन, हाँ मे बी रेडी हो रहे हैं वो लोग, तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सुबह ओपन हो जाता है, 6-7 बजे ही ब्रेकफास्ट वगैरह मिलना शुरू हो जाता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो सुबह 4 बजे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ नज़र आ रहा है, तलाशेरी रेस्टोरेंट विच इज़ ए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, और एक और सुपर मार्केट ओपन है, और सुबह सुबह ग्रॉसरीज की डिलीवरी हो रही है डिलीवरी वैन। सैटरडे का दिन है, सुबह का टाइम है, एक सेफ्टी चेक भी करते हैं कि सुबह सुबह शारजा कितना सेफ है। वैसे तो ये कंट्री है ही सेफ, फिर भी मॉर्निंग सुबह 4 बजे एक कोशिश जानने की कि कितना सेफली यू नो हम लोग वॉक पे जा सकते हैं। सुबह का टाइम और अभी फिलहाल जैसे कि कोई है नहीं तो क्रॉस कर लेते हैं। ये है सुबह का दृश्य, मॉस्क अच्छे से लाइट्स में चमचमाता हुआ। दिस इज जो है क्या कहते हैं किंग फैजल रोड, किंग फैजल रोड के पास है ये। No, this mosque. is King Faisal Mosque. Ah, okay, that is King Faisal Mosque. We are near to the round park. और हम लोग हैं एक round park के सामने। बिल्कुल एक round park के सामने। ये है round park. Round का shape है। Round का shape है। तो सुना आप लोगों ने भाई, आज आप हम लोग की हिंदी सुनोगे आज। मैं पूरा हैप्पी मूड में हूँ। पूरे हैप्पी मूड में क्योंकि इसके स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। 9 दिन का अपने यहाँ नवरात्रि का टाइम है, दशहरे का टाइम है, तो यहाँ भी हमको मिला टर्म 9 ब्रेक। दिन का टर्म ब्रेक मिला, टर्म ब्रेक ने मिल गया, इसलिए मैंने मेरा तो इसलिए पूरा 9 दिन प्लान करके अभी सुबह सुबह मैंने इसको उठा दिया जबरदस्ती। और तुम्हें मैं मारूंगा लेटर, मारूंगा लेटर। तो इसी खुशी में आज हम लोगों ने डिसाइड करा है कि वो भी आज हिंदी में बात करेगी। मौसम अभी बेटर है क्योंकि अभी अक्टूबर का सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है। आज कॉल्ड एज अ राउंड पार्क, लुक एट दैट ह्यूज राउंड ओवर हियर। आज डेट हो गई है 11th और 12th, मुझे पता नहीं। सो टुडे इज सैटरडे, आज 11th है मोस्ट प्रोबब्ली, यहाँ 12 है, 12th ओके, 12th अक्टूबर है, और सुबह गर्मी ज़्यादा नहीं है। 40 होने के पहले मैं 4 दिन एक्सरसाइज करके बॉडी ट्रिम व्रिम, हाँ अगले 9 दिन ये एक्सरसाइज करके थोड़ा सा वेट लूज करना चाह रही है उसके बाद खाने के लिए उसके बाद फिर दबा के खाने के लिए तरफ तो कोई भी नहीं नजर आ रहा।
सबके सब सोए हुए हैं और आज तो वैसे भी वीकेंड है तो आज तो हर कोई लेट उठता है और हम दोनों का कुछ अलग है। हम दोनों जिस दिन ऑफिस होता है ना, जिस दिन ऑफिस होता है उस दिन हम लोग लेट उठते हैं, बट जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन खासकर मेरी आंख बहुत पहले खुल जाती है और तू मेरे हाथ भी फोर्सफुली खुल जाता है और मैं फोर्सफुली इसको भी उठा देता हूँ। तो सुबह सुबह घास में चलने का मजा ही कुछ और है, बट नंगे पाँव चलोगे तभी मजा आता है। अरे यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज, व्हाट एक्सरसाइज यू आर डूइंग? सर्टेन थिंग्स आर सीक्रेट एक्सरसाइज दैट ओनली आई नो, अदर देन डू शेयर विद एनीवन पब्लिकली बिकॉज़ यू नो दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, प्रेशियस थिंग्स। जैसे ही कैमरा ओपन कर देता हूँ। हाँ अभी अभी थोड़ा सा स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज। तू मुझे है, तू मेरा इमेज मत खराब करना। इमेज कैसे आपका इमेज खराब होगा? तो भाई ये देखो ये है पार्क और फिलहाल इस वक्त तो यहाँ मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ हम दो ही पागल लोग सुबह सुबह उठ के पद यात्रा वॉकिंग मॉर्निंग वॉक। तो ये जो सामने दिख रहा है ये है भाई इधर शारजा का गोल्ड सूक और सुबह एक आधा गाड़ी मुझे नज़र आ रही है, फुल स्पीड में आ रही है और ये स्पीड में निकल गई। इस तरफ मेरे को दो तीन लोग सुबह मॉर्निंग में दिख रहे हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हुए और ये हम आ चुके हैं अभी कॉर्निश एरिया की तरफ। तो ये है सेंट्रल सूक, इसको बोलते हैं सेंट्रल सूक। वो देखो उसका बोर्ड लगा हुआ है सेंट्रल सूक। यहाँ पे ऐसे बैठने की सीटिंग्स वगैरह है, वॉक करने के बाद इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट रिलैक्स। तो ये है भाई हम लोग पहुँच गए हैं कॉर्निश की तरफ और यहाँ पे काफ़ी लाइट्स वगैरह हैं, उतना अंधेरा नहीं है यहाँ पे। फिशिंग गई और तो ये है भाई बहुत ही खूबसूरत कॉर्निश एरिया। दिस गोल्ड सूक पार्क, या सेंट्रल पार्क और सेंट्रल सूक। वो देखो भाई लंदन आई जैसा जाइंट व्हील, बट अभी लाइट्स वगैरह सब बंद है। यहाँ सुबह सुबह हवा तो अच्छी चल रही है बट साथ में ना एक स्मेल आ रही है जो पानी का स्मेल, नहीं पानी का स्मेल नहीं, वो जो सी में जो स्मेल नहीं आती कभी कभार फिश की जो स्मेल आती है फिश, वैसी वैसी स्मेल आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो हवा चल रही थी बट अब हवा नहीं चल रही है, बताओ यार। और अब क्या है गर्मी लगने लगी है, मैं अभी टेम्परेचर चेक कर रहा था तो सुबह 27 डिग्री दिखा रहा है, 27 डिग्री और अभी ऑलमोस्ट हम लोग 40 मिनट वॉक करके यहाँ बैठ गए हैं। कार्नल है अलनूर आइलैंड है, अलनूर पिन है अलनूर भाई, मुझे लगता है ये अलनूर आइलैंड है।
ഇതിപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ നടുക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും वो अभी बंद है ब्रिज did they remove and keep somewhere yeah I guess so yeah that money man this is Al Majaz Park so where is Al Noor Island that was water, also somewhere close to waterfront area it's not a short one okay it's a huge one ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ Al Noor Island ഉണ്ട് and this park works in the evening time appo ee giant whale will be moving The camera quality have gone down यार ये जब से अपडेट हुआ है ना ये 18 वाला 18.01 जो भी है नहीं तो पहले नाइट में ये जो आईफोन 14 प्रो का जो कैमरा है इतना मतलब क्लियर आता था इसका शॉट बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उतनी क्लैरिटी नहीं है अभी अपडेट के बाद भाई सुबह सुबह यहाँ पे ना साफ सफाई ये जो डस्टबिन साफ करके वो देखो भाई लेके जा रहे हैं सुबह सुबह वन थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट दिस कंट्री इज स्कूल स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग एंड इट एंड्स अर्ली रादर देन स्टार्टिंग बाय 10 o'clock एंड एंडिंग अप एट 4-5 o'clock नहीं तो इंडिया में भी तो स्कूल्स दे स्टार्ट बाय 7-7:30 एंड इट एंड्स बाय या इन दिल्ली व्हेन आई वाज स्टडीिंग Our school used to start around 7-7:30 really? And it used to end by 1-1:30 And then we Keralaians are different, okay? Our school starts at 9 o'clock In Kerala? Mm. Okay I don't know about now Okay But before it used to be like 9 o'clock And the meeting is at 4 o'clock But bhai, yahan pe na, jab schools hai Yahan pe itni chuttiyan milti hai, teacheron ko itni chuttiyan milti hai भाई इनका नया सीजन कब स्टार्ट होता है आप लोगों का स्टार्ट इन अगस्त लास्ट वीक हाँ इनका शुरू होता है अगस्त में इनका नया टर्म एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है उससे पहले ना जुलाई और अगस्त जुलाई तो पूरी छुट्टी होती है अगस्त भी ऑलमोस्ट 20 तारीख तक इनकी छुट्टियां होती है तो जुलाई अगस्त छुट्टियां उसके बाद सितंबर इनका शुरू हो जाता है एकेडमिक ईयर अक्टूबर में अभी देखो 10 दिन की छुट्टियां हो गई है उसके बाद नवंबर में फुल है और जो भी नेशनल हॉलीडेज है उस टाइम छुट्टी होती है फिर दिसंबर में देखो फिर इनका विंटर वेकेशन आ जाता है विंटर वेकेशन भी ऑलमोस्ट 20-25 दिन का इनका विंटर वेकेशन हो जाता है विच स्टार्ट्स अराउंड लाइक 15 के आसपास दिसंबर में शुरू होता है और 6-7 जनवरी तक चलता है सो व्हाट एंड देन जनवरी में स्कूल ओपन होने के बाद फिर फेब में फिर इनको बीच में कोई टर्म ब्रेक समथिंग कुछ मिलता है फेब में है ना फॉर अ वीक और समथिंग उसके बाद उसके बाद फिर मार्च में फिर इनके कोई एग्जाम्स वगैरह होते हैं मार्च एंड में फिर इनको व्हाट हॉलीडेज डू यू गेट फॉर 15 टू वीक स्प्रिंग हॉलीडेज अच्छा स्प्रिंग हॉलीडेज मार्च के एंड में इनको मार्च अप्रैल की स्टार्टिंग में स्प्रिंग हॉलीडेज तो सच्चे बताओ ना तो यहाँ पे टीचर्स की मौज है छुट्टियों में बट काम उतना ही ज्यादा होता है भाई इंडिया में जो टीचर्स है ना उनकी मौज है छुट्टियाँ इंडिया में भी होती हैं बट वहाँ पे टीचर्स हार्डवर्किंग होते हैं हर जगह ही हार्डवर्किंग होते हैं बट जितना हार्डवर्किंग मैंने यहाँ यूएई में देखा है ना भाई भाई इतना तो इंडिया में नहीं देखा मैंने Why do you really have a problem with my holidays? I don't have any problem with your holidays, but I have problem with my holidays because a normal person like me who works in an office doesn't get these much of holidays like your teachers get. Kyun bhai, and you such people, when na? You come back after work, you don't do office work. We Who come back we after we come back work. After that school. Me, we do household work, then we do school work, then we do the corrections, then we do the other works. Okay, so it's like 182 or in 185 working days in a year is equal to 360 working days. Okay. Oh really? That's a very nice justification, jo humne prem diya hai abhi. Kya chedi hai? Kya jamandi hai? No, no. Yeah, who was in the chedi under? കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തോളൂ അത് വിന്ററില് വിന്ററിൽ ഇതിനൊക്കെ നല്ല പോലെ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം
सुबह होने लगी है, अभी 5:30 हो गया है, दिन खुलने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। अमलू प्रेम, व्हाट डू यू से कि दिस ईयर हम लोग ये वाटर फ्रंट की तरफ अगर एक अपार्टमेंट देखें? पता नहीं रेंट के डिपेंड करेगा, रेंट पर डिपेंड करेगा। एक वीडियो बना सकते हैं। No, the problem is, there is no point in giving for the real estate people too much of money. Okay. Anyway, even if you live here or if you live in waterfront, we need to travel 2 hours to reach our offices, workplace. So it's better give less rent and travel more rather than giving them money. But still we stuck in traffic. वही यहाँ पे योगा क्लासेस भी चल रही है। ये पार्क में एक डेट्स का पेड़ दिख रहा है, बट आई डोंट सी एनी डेट्स। हम लोग तू मुझे फॉलो करो। हाँ तो फॉलो ही कर रहा हूँ। करो जल्दी करो। You know, when the dates start growing, they will tie all the leaves together. Okay. So that don't fall. सुबह के 6 बज चुके हैं और मॉस्क की लाइट्स बंद हो चुकी है। सनराइज आई गेस 6:20 है, अभी भी 20 मिनट है। तो सुबह भाई ये नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। तो चाहिए चाय, तो भाई आप चलते हैं, देखते हैं कि सुबह 6 बजे कोई रेस्टोरेंट खुला है कि नहीं खुला है। खुला है तो भाई एक एक चाय हो जाए। सुबह बज चुके हैं 6 और यहाँ जो रेस्टोरेंट जो खुला हुआ था एक आधा तलाशरी, यहाँ चल के चाय पीते हैं। कड़पम बनानी है, कड़पम बना। हाँ हम लोग आ चुके अपने अपार्टमेंट वॉक करने के बाद। सो आज का वीडियो यही पे समाप्त होता है। समाप्त होता है।